जिता यू आर राइट एंड शी इज एक्चुअली लाइक दैट तो आज भी मैं वापस से बोल रही हूँ और भी चीज़ें हैं कुछ कुछ जो अभी भी शायद शी इज़ नॉट एक्सपोज कम्प्लीटली देन इफ अंकितज ओपनिंग अप गुड अंकित इज़ अ स्मार्ट पर्सन इंटेलिजेंट पर्सन पर कहीं ना कहीं वो भी किसी वजह से उतना खुल नहीं रहा है या मे बी दिस गेम इज़ नॉट फॉर हिम अब तो कहीं ना कहीं या ही इज गैटिंग लॉस्ट मुझे यही लगता है कि लोग उसको कहीं ना कहीं छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर करते हैं या जो भी है uh, जो वो है नहीं अभी के टॉप थ्री कंटेस्टेंट वुड बी प्रियंका शिव एंड निमित हाई गाइस दिस इज सुजिता डे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ई टाइम्स थैंक यू सो मच अंदाज नया और uh, आई थिंक ज़्यादा आग दिखने के लिए मिलेगा आप लोगों को और फायर या एग्रेशन एंड फायर प्लानिंग तो है पर स्ट्रैटेजी का कुछ काम आता नहीं है क्योंकि हर दिन चीज़ें चेंज होती रहती है घर के अंदर सो आई डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी बट प्लानिंग डेफिनेटली और इट्स अूज एडवांटेज फॉर मी कि uh, मैं उन लोगों को घर के अंदर भी जानती थी और बाहर से भी मुझे देखने के लिए मिला सो so, या yeah. एक्चुअली परस्पेक्टिव ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है क्योंकि मेरा सेंस ऑफ नोइंग human बींग इज़ क्वाइट strong. मुझे समझ में आ जाता है कौन कैसे है और कौन कैसे सोचते हैं uh, सिर्फ प्रियंका uh, uh, का मुझे ये लगता है कि uh, she is constantly uh, कहीं ना कहीं she is trying that you know आई uh, एम a very nice person आई एम अ वेरी नाइस सोल आई एम अ वेरी तो ये वो uh, constantly वो project करने की कोशिश करती है Uh, और बाकी तो ज, जिसके बारे में जो सोच था वो ही सेम है मतलब आपने एलिमिनेशन के बाद भी uh, सवाल पूछा था दो हफ़्ते बाद uh, मतलब uh, शो के दो हफ़्ते बाद एंड आज भी मेरा परस्पेक्टिव सेम ही है बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉग सेंस ऑफ नोइंग पीपल मैं यही कहना चाहती हूँ टीना इज़ क्वाइट एक्सपोज एंड रिवील्ड बट मुझे लगता है ऐसा कि देर आर सर्टन थिंग्स स्टिल टू बी एक्सपोज और रिवील्ड अबाउट हर जैसे कि मैंने पहले बोला था और तभी फैंस ने शायद मुझे बोला था वाई इज़ श्री सो अगेंस्ट टीना एंड दोज फैंस आर टेलिंग मी लेटर सॉरी श्रीजिता यू एयर राइट एंड शी इज़ एक्चुअली लाइक दैट तो आज भी मैं वापस से बोल रही हूँ और भी चीज़ें हैं uh, कुछ कुछ जो अभी भी शायद शी इज़ नॉट एक्सपोज कम्प्लीटली Which I know about her, तो देखते हैं आगे यू नो आई डों प्लेइंग झुंड में और मुझे कहीं ना कहीं फ्रंट फुट फुट में खेलना आ, पसंद है आ, और आ, मैं कोई ग्रुप का हिस्सा तो नहीं बन सकती हूँ क्योंकि आ,

टिल दैट पॉइंट आई थिंक वो वीक सेवन में हुआ था शो के टिल दैट पॉइंट शी ऑलरेडी वॉज अ परफेक्ट एंटरटेनर शी इज़ डेफिनेटली इरीटेटिंग जो उसने किया था वो बहुत गलत था बट मुझे लगा था कि लोगों की लाइक ऑडियंस की डिमांड होंगी दैट दे वॉन्ट टू सी हर बैक इन द हाउस इनफैक्ट इवन मी एज एन ऑडियंस जब मैं देखती हूँ तो जब भी, भी अर्चना स्क्रीन में आती है ना वो पाँच दस मिनट में हंसती हूँ बिकॉज शी इज़ डैम इिटेटिंग बट शी इज डैम एंटरटेनड अब तो कहीं ना कहीं या ही इज गेटिंग लॉस्ट मुझे यही लगता है कि लोग उसको कहीं कही ना कहीं छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं या जो भी है जो वो है नहीं ही इज़ अ स्ट्रॉग पर्सनैलिटी इज अज अ सेंसिबल ह्यूमन बींग और मुझे लगता है मे बी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अ कंस्ट्रेन फॉर हेम क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी में बात कर रहे हैं और उसको मुश्किल होता है समझने में मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली uh, स्टैंड क्योंकि उनको खुद को ही घर पे नहीं रहना है कॉन्स्टेंटली रोए जा रहा है कि मुझे नहीं रहना है ये मेरे लिए बना नहीं है तो निकल जाओ भाई और सुम्बुल देन इफ़ अंकित इज़ ओपनिंग अप गुड अंकित इज़ अ स्मार्ट पर्सन इंटेलिजेंट पर्सन पर कहीं ना कहीं वो भी uh, किसी वजह से उतना खुल नहीं रहा है या मे बी दिस गेम इज नॉट फॉर हिम या दीज थ्री पीपल फॉर नाउ किया नहीं है पर शायद अभी कैप्टन बनने के बाद ये उनके लिए एक पुश हो और वो एक्चुअली खुल जाए दोस्ती की बात करें तो आई कैन सी माई सेल्फ इक्वेशन जैसे कि मैंने बोला निमृत प्रियंका सौंदरिया टू साजिद जी क्योंकि uh, उनके uh, जो यू नो एडवाइजेज होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और जिनसे मैं दूर रहना पसंद करूँगी तो ऐसा कुछ नहीं क्योंकि दूर रहना पसंद करूँगी मतलब मैं कहीं ना कहीं डर रही हूँ तो शायद उनके साथ मेरी दोस्ती नहीं होगी पर दूर बिल्कुल मुझे नहीं रहना है किसी से हाँ मतलब दुश्मनी लेना है फिर साथ लेना चाहूँगी um, फ़िलहाल इस वक्त आई वुड से कि सीटीना इज़ ऑबियस तो वो तो कोई सवाल ही नहीं है और वो घर की वजह से नहीं वो पहले से आई नेवर लाइक था आई डिसक था आई वुड से और या आई वुड से कि uh, मुझे इस बात की गुस्सा है कि स्टैन uh, uh, सुम्बुल ये लोग बिना कुछ करे भी अभी तक घर के अंदर है एंड मी

You have to take a stand, and you cannot step back. And there would be a lot of more aggression. I feel. I uh, think top three contestant uh, would be uh, Priyanka, uh, Shiv, and uh, Nimrit. I would like to say that. हेलो एवरी वन प्लीज़ जॉइंस श्री स्क्वाड एंड सपोर्ट मी वोट फॉर मी जब भी जरूरत पड़े मुझे वोट्स की मुझे ढेर सारा प्यार भेजिए भेजिए और पिछली बार की तरह प्लीज़ थोड़ी सी भी कमी मत छोड़िए भर भर के प्यार कीजिए एंड बिकॉज योर कॉमेंट्स योर सपोर्ट योर लव मीन्स अलॉट